तेजस्वी यादव जी जो है गिरफ्तार होने वाले हैं और लालू यादव जी जो है गिरफ्तार होने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार में जो जितने भी जो सरकारी नौकरियां जो दी गई थी, वो जमीन को जो है बेचकर और जो कम दामों में जमीन को जो है बेचकर उसका रजिस्ट्री जो है करवाया गया था। तो कम दामों में जमीन को बेचकर उसका रजिस्ट्री कराकर और काफी सारे लोगों को जो है नौकरियां दी गई थी। तो अभी सोशल मीडिया पे जो है पूरा ट्रेंड कर रहा है पलटू चाचा, कभी दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी के तरफ, बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी के तरफ। उन कब पलट जाए कोई ठीक नहीं है, गांजा पिए रहते हैं, गांजा पी के जो है गांजा के नशे के हालत में वो कुछ भी अक बक बोलते रहते हैं। अभी जब वो इस्तीफा देकर जब वो बाहर निकले, मीडिया वाले जब उनसे जब सवाल पूछ रहे थे, तो उनका फेस का आप लोग रिएक्शन देखना कि किस तरह से फेस को जो है ऊपर नीचे करते हैं, उस पे उनका कितना मीम जो है बना है। मैं राज रोशन, आप सभी देख रहे हो हमारा YouTube चैनल द राज रोशन ब्लॉग्स। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है देख रहे हो कि बिहार में जो राजनीति है वो किस तरह से कभी अल्टी कभी पलटी मार रहा है। बताया जा रहा है कि हमारे जो पलटू चाचा है सीएम नीतीश कुमार जी, वो किस तरह से जब दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी में, बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी में। उनका कब कोई ठीक नहीं है, कब वो पलट जाए। ये बयान तेजस्वी यादव जी भी जो है वो दिए हुए थे कि चाचा के कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाए। और उनके साथ जो यही हुआ, उनके साथ यही गद्दारी हुआ। जैसा कि आप लोग कल के दिन देखे हो कि कल के दिन जो है सीएम नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे देते हैं आरजेडी से और वो जो है एनडीए में जो है शामिल हो जाते हैं। तो चाचा के बारे में कोई नहीं जान सकता और सोशल मीडिया पे जो है काफी सारी जो वीडियोस हैं वो ऐसी ही वायरल हो रही है कि पलटू चाचा का कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाए। और तेजस्वी यादव जी का भी जो बयान है वो यह आया है कि हमें इससे कोई खेद नहीं है, अगर वो पलटे हैं तो कोई बात नहीं, वो अपनी इसमें जो है जनता उन्हें बताएगी किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, जनता सब समझ जाएगी। सो दोस्तों, मैं जैसा कि आप सभी को बता दूं, अभी का जो लेटेस्ट न्यूज ये चल रहा है, लालू यादव जी जो है और उप मुख्यमंत्री, उप थे पूर्व हो चुके हैं, तेजस्वी यादव जी जो है गिरफ्तार होने वाले हैं और लालू यादव जी जो है गिरफ्तार होने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार में जो जितने भी जो सरकारी नौकरियां जो दी गई थी, वो जमीन को जो है बेचकर और जो कम दामों में जमीन को जो है बेचकर उसका रजिस्ट्री जो है करवाया गया था। तो कम दामों में जमीन को बेचकर उसका रजिस्ट्री कराकर और काफी सारे लोगों को जो है नौकरियां दी गई थी। तो इसके ऊपर जो ईडी दफ्तर है वो उनसे जो है पूछताछ करने के लिए गई हुई है और ईडी दफ्तर जो है पूछताछ करेगी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं। तो आज जो है पूछताछ किया जा रहा है, अभी जो है पूछताछ चल ही रहा है, काफी सारे लोग जो है वहां पे मौजूद है, काफी सारे लोग जो है आए हुए हैं, आरजेडी के समर्थन है, सभी लोग वहां पर आकर आरजेडी जिंदाबाद आरजेडी जिंदाबाद का जो है नारा लगा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लालू यादव जी जो है और तेजस्वी यादव जी जो है गिरफ्तार होने वाले हैं ये जमीन वाले मामले में। और ये जो मामला जो किया गया था, ये मैं बता दूं कि ये अभी इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी का जो पार्टी है वो लोग जो है जीने नहीं दे रही है लालू यादव की जो परिवार है। अभी जो है लालू यादव कुछ हालों में ही जो छूट कराए थे जेल से, अभी फिर जो है उन्हें इलेक्शन का भी टाइम जो है करीब आ चुका है और फिर से उन्हें जो है जेल में डालने की जो है भेजने का जो है पूरा प्रयास में लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ईडी दफ्तर वाले जब पूछताछ कर रहे हैं तो क्या सच में आज जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या सच में आज गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पूछताछ जो है अभी चल रही है पटना में और पूछताछ चलेगी, जो भी फैसला होगा आप सबके सामने आ जाएगा, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव जो है गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन के पहले ही ऐसा क्यों किया जा रहा है और परेशान क्यों किया जा रहा है, पहला ये। दूसरा झटका लगा है लालू परिवार को कि इलेक्शन से पहले जो है ऐसा कर दिया गया है। तो आप लोग का क्या राय विचार है, इसमें किसकी साजिश है, कौन ऐसा करवा रहा है, आप लोग जो है अपना राय विचार कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा।